हेलो गाइज, वेलकम बैक माई चैनल भारतीय बाजार। आज ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ और अंडोर कंसेप्ट आईपीओ की लिस्टिंग थी, बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुई। ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ की लिस्टिंग जिस तरीके के एक्सपेक्टेशन था कि इसकी लिस्टिंग में भी फ्लैट या 2-4-5% का मुनाफे पर हो सकती है, लेकिन इसकी लिस्टिंग जो हुआ 9.5% के मुनाफे पर हुआ। बहुत शानदार लिस्टिंग हुई और अभी ये जो हाई लगा है, लगभग इसकी जो हाई लगा हुआ है 418 का हाई लगा हुआ, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है अपने निवेश को। और इसने जो हाई लगाया हुआ है 418 का हाई लगाया हुआ है, तो ये जो टोटल प्रॉफिट अभी तक दे रहा है वो 72 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि लगभग 20-22% का मुनाफा पर लॉट दे रहा है। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन था मूव कर रहा है। अभी हम लोग का यहाँ पर प्लान क्या होना चाहिए, 370 से 365 का स्टॉप लॉस लगा करके हम लोग इसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक कंपनी बहुत ही अच्छा है, डेब्ट फ्री कंपनी है, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छा है, कामकाज ठीक ठाक करता है, तो इसमें आने वाले समय में ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से इसमें अप्लाई किए हैं उनके लिए बेहतर है कि 365-370 का स्टॉप लॉस लगा करके वेट करें, इसमें और मोमेंटम होने का चांस है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑनडोर कंसेप्ट आईपीओ एसएमई आईपीओ थी, इसकी लिस्टिंग जो इसकी जो कट ऑफ प्राइस था 208 रुपये की इसकी कट ऑफ प्राइस थी, इसकी लिस्टिंग 214 के समथिंग हुआ है, 214 पर, तो लगभग 6 रुपये का बेनिफिट दिया, लगभग 3% का समथिंग प्रॉफिट दिया, लगभग 3% से भी कम ही दिया, तो लगभग 3% का बेनिफिट दिया। और अभी ये डाउनसाइड में मूव कर गया, इसकी कट ऑफ प्राइस 208 था और ये अभी 204 पर 203-3.5 रुपये पर ट्रेड करिए, तो लगभग 5 रुपये का ये लॉस भी दे रहा है, 5-4.5 रुपये का ये लॉस अभी दे रही है। तो अभी यहाँ पर क्या प्लान होना चाहिए, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से यहाँ पर इसे होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर है 198 का स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें। अगर 198 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो फिर हम लोग यहां से आउट हो सकते हैं, 5-6% का लॉस कवर करना एक बड़ी बात हो जाती है, इसलिए हम लोग 5-6% लगभग यहाँ पर 10 पॉइंट्स का हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे। कट ऑफ प्राइस 208 है, 198 पर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो पर लॉट पर शेयर हमें 10 रुपये की लॉस देखने के लिए मिलेगी। ये लगभग जो लॉस हो जाएगा लगभग 5% से ज़्यादा ही लॉस हो जाएगा, लगभग 7-8% हो जाएगा, तो इतना लॉस काफ़ी है, हम लोग इतना लॉस पर इसमें से आउट हो जाना चाहिए। 198 हमारे लिए परफेक्ट लेवल है। इसमें जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी उस तरीके से हुआ नहीं, थोड़ा सा इसकी लिस्टिंग पॉजिटिव होना चाहिए था मगर नहीं हुआ, लिस्टिंग इसकी पॉजिटिव तो हुआ लेकिन 2-3% का ही मुनाफा दिया, और फिर आज डे एंड तक इसमें डाउनफॉल देखने के लिए भी मिला और इसमें 4-5 रुपये का लॉस भी देखने के लिए मिला। आई होप सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, जय हिंद। एंड इसी तरह आईपीओ से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, जय हिंद।